हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोधली चंद्रिका भी कह सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम हो गया राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और इनके लेखक का नाम हो गया गुरु नानक, जो कि काव्यखंड से लिया गया है। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सारा चैप्टर बाय चैप्टर कवर किया गया है और प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहीं से आप उपयोग यानी कि इस्तेमाल करिए। इसमें बहुत सारा प्रंस है, जैसे कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उससे हम आपको बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड है, तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग भी पहले से ही जानते ही होंगे। तो इसे आप याद कर लीजिए, और चैप्टर का नाम है और लेखक का नाम है, क्योंकि टोटल चैप्टर गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है बाबू। तो बहुत सारा प्रंस हो जाता है कि हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर इस्तेमाल करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, यानी कि बहुत सारा कमेंट आया है। तो हम उसे पढ़कर लगा कि चलो इसको माने कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ बता दें, ठीक है बाबू। तो जैसे कि आप देखो, हम आप सबसे पहले बताने से पहले ये कह देते हैं कि यह हम आपसे सिर्फ 10 से 12 मिनट के आसपास ही हम बातचीत कर पाएंगे, ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको पूरा नहीं बता सकते हैं कि सिर्फ हिंट दे रहा है, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर 2 से 3 घंटा समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे कि चंद्रिका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है बाबू। तो चलो अभी हम थोड़ा आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते कि सबसे पहले प्रश्न आ जाता है कि हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि आपको चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर पूछेगा सर क्यों करना चाहिए, चंद्रिका इस्तेमाल करो बाबू, ठीक है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या मन में चलता रहता है कि चंद्रिका इस्तेमाल सिर्फ तेज विद्यार्थी ही करते हैं, या फिर जो भूस्कोल होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ की भूस्कोल विद्यार्थी और फिर तेज विद्यार्थी से कंपेयर मत करो, ठीक है, दोनों में तुलना मत करो, आप चंद्रिका इस्तेमाल करो। अगर आप नहीं समझ पाते हो बुक पढ़ने के बाद, खास कर अगर आप काव्य खंड पढ़ते होंगे, ठीक है, अगर काव्य खंड का तुम पहला यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, फिर जैसे कि तुम तो पढ़ लिया और इसका मायने क्या होता नहीं समझ पाते हो, तो फिर इसका मायने आप नहीं समझ पाते हो तो आप मान कर चलो कोचिंग में बताता है, ऐसा नहीं कि नहीं बताते हैं, लेकिन आप किसी कारण से नहीं जा पाए हो कोचिंग, तो फिर आप यहां से भी चाहो तो देखो इसका सलार्थ हो गया, फिर इसका जो बख्या हो गया, फिर इसके मैं यानी कि अगर तुम यहाँ से भी अगर मानकर चलो कि पढ़ लेते हो, तो आई होप हमें पूरा विश्वास है कि तुम 60 से 70% यहाँ से तुम जान जाते हो कि उस कोट के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते थे, गुरु नानक जी क्या कहना चाहते थे। तो आई होप आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और हालांकि हम आपको बता दें कि यह बहुत सारा स्टूडेंट के मन में ख्याल रहता है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यह भी उसके मन में प्रश्न कभी कभी उठता रहता है कि सर क्या हमें चंद्रिका इस्तेमाल करते समय कोई सीनियर आ जाता है तो हम बुक चुरा लेते हैं, यानी कि चंद्रिका को बंद करके वो बुक के नीचे डाल देता है, ठीक है, होता है। लेकिन देखो बाबू, हम तुमको बताए चंद्रिका पहले सबसे तुम पहले समझो कि चंद्रिका किसे कहते हैं, तुम सबसे पहले ये समझो, ठीक है। तो हम तुमको किसी दिन हम तुमको जैसे बता ही है कि हम आपके लिए किसी दिन समय निकाल कर, और तुम आप हम जैसे कि कभी तुम बोल देते कभी आप बोल देते हैं, तो इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि होता है कभी कभी तुम भी बोल देते कभी कभी आप भी बोल देते हैं, तो आप इससे डिस्टर्ब नहीं होइएगा, और ठीक है बाबू, चलो होता है। तो जो कभी कभी हो जाता है ना अचानक जो दिल में आ जाता है वही अब मुझसे निकल जाता है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं करते हैं, जो दिल में आता है वही होता है, और जो तेज़ी से बोलने के कारण कुछ कभी तुम बोलते हैं कभी आप बोलते हैं कभी बाबू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब तो एक अलग मुद्दा गया, छोड़ो। देखो तो हम यही बताना चाह रहे थे कि चंद्रिका किसे कहते हैं, पहले सबसे पहले ये समझो। देखो चंद्रिका किसे कहते हैं, मान कर चलो जब तुम कहीं ना कहीं तुम जरूर कोचिंग पढ़ते हो, ठीक है, जब तुम जहाँ कोचिंग पढ़ते हो और मान कर चलो कि यह चैप्टर तुम जो फर्स्ट चैप्टर है तुम रीडिंग किया, ठीक है, रीडिंग करने के बाद उससे रिलेटेड क्या आता है, प्रंस आता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि तुम रीडिंग करते ही उससे रिलेटेड जितना प्रंस रहता सारा को उत्तर लिख डालते हो,
नहीं होता है तो फिर क्या होता है, जब नहीं होता जब तुम कोचिंग जाते हो तो फिर वहाँ सर बताते हैं, तो फिर सर बताते के बाद तो फिर आगे याद करते हो, यही होता है ना। तो वहाँ पे सर दिस इज कॉल्ड चंद्रिका हो गया। यानी कि हम आपको आसान भाषा में समझावे तो यानी कि आपके प्रश्न का जो उत्तर सही सही दे दे उसे हम चंद्रिका कहते हैं। और आसान भाषा में चलो अपना भाषा में समझाते हैं, यानी कि तू जकरा से प्रश्न कोनो पूछे छी ही ना हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, यानी कि अजीब लग रहा है ना। चलो यानी कि देखो हम यही समझाना चाहते हैं कि तुम यानी कि जिससे ठीक है प्रश्न पूछते हो और उस प्रश्न का उत्तर कोई दे देता है सही सही, तो वह चंद्रिका हो जाता है। यानी कि तुम उसका नाम चंद्रिका मत रख देना। ठीक इसी तरह से तुम जिस हिसाब से तुम घर पे पढ़ने के लिए बैठते हो और तुमसे कोई सवाल नहीं बनता हो तो तुम लोग क्या करते हो, वहीं पर कॉपी बंद कर देते हो, किताब बंद कर देते हो और तुम्हारा पढ़ाई हो गया पूरा, सिर्फ 10 से 20 मिनट में तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया। या फिर आधा घंटा पढ़ते पढ़ते कोई क्वेश्चन में जाके अटक गए, फिर वहाँ से तुम लोग पढ़ाई बंद कर देते हो, यही करते हो ना। लेकिन अभी से आज से नहीं करना है। अगर जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि हमसे नहीं बन रहा है तो चंद्रिका ओपन करो और वहाँ से देखो, फिर प्रयास करो और फिर अपने मन से उस क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारे के देखो बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये भी प्रश्न उठने लगता है कि क्या सर जैसे कि हम कोचिंग किसी कारण नहीं जा पाए और कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन, जैसे कि मानकर चलो कि हम पहला ही चैप्टर का बात ले लें कि राम बेनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, मान के चलो कि यह चैप्टर कंप्लीट होने वाला कल है, ठीक है, कल तुम किसी कारण से नहीं पहुँच पाए वहाँ, ठीक है, और वहाँ पर तो नहीं पहुँच पाए तो तुम्हारे लिए सर तो नहीं रुकेगा, वह क्वेश्चन आंसर जरूर करा देंगे ना। तो फिर इसके पास तुम्हारा दो ही ऑप्शन रह जाता है, या फिर तुम अपने किसी दोस्त से कॉपी लेकर लिख लो, या फिर तुम किसी से बुक मांग कर लिखो, या फिर किसी दोस्त से मिला, और दूसरा ऑप्शन हो जाता है चंद्रिका हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास दोस्त है या फिर उससे अगर तुमको अगर बनता है तो ठीक लिख लो, लेकिन यहाँ पर चंद्रिका से भी आप लिख सकते हो। अगर कोई प्रश्न या उत्तर छूट गया है तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो, ठीक हो। रह गया प्रश्न कि तुम्हारे मन में फिर से सवाल उठता होगा कि सर यहाँ से अगर हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद कर अगर हम एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे तो क्या सर मेरा नंबर काट लेता है? बिल्कुल नहीं काटता है बाबू, ठीक है। देखो कैसे नहीं काटता है, मान कर चलो तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो अपना एक तरह से बुझो जो एग्जाम थी उसको क्या कहते हैं यार, हम भी भूल गए, हाँ एग्जामिनर ही कहते हैं, जो एग्जामिनर है वो अपना क्वेश्चन वोश्चन सेट करता है, ठीक है, क्वेश्चन वो सेट कर दिया, चलो क्वेश्चन सेट करने के बाद क्या होता है परीक्षा ले लेता है। परीक्षा देने के बाद आप लोग जब परीक्षा देते हो कॉपी कहीं पर और चला जाता है, ठीक है, चेक करने के लिए। तो जो कॉपी चेक करते रहते हैं तो उसको ये मतलब नहीं रहता कि तुम एक तरह से बुक से क्वेश्चन लिखे हो या फिर अपने मन से क्वेश्चन लिखे हो या फिर तुम चंद्रिका में से क्वेश्चन लिखो, उसको कुछ लेना देना नहीं रहता है। उसका बस यही कहना कि तुम कहीं से भी क्वेश्चन लिखो चाहे कुछ भी करो, हमें जो बताए हैं यानी कि जो क्वेश्चन पूछे उसका हमें सही सही आंसर चाहिए, ठीक है बाबू। उसको ये मतलब नहीं रहता कि हाँ चंद्रिका से या प्रश्न लिखा गया है या फिर अपने मन से लिख दिया है या फिर क्या, उसको अच्छा उससे रिलेटेड अगर तुम पूरे उत्तर दे पा रहे हो सही सही तो तुमको फुल मार्क्स बहुत दे देते हैं। तो ये नहीं होता कि चंद्रिका से तुम उसका सेम टू सेम वहाँ पर जाके उतार देते हो या फिर उससे रिलेटेड ही तुम अगर प्रश्न लिख देते हो तो तुम्हारा नंबर कट जाता, ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर कीजिए। देखो इसमें भी ये भी होता है ना कि आज से हम आपको बता दें कि 50 से 60 साल पुराना बात करें तो अगर वहाँ 50 से 60 से पुराना साल चली जाए तो वहाँ पर क्या होता है ना, वहीं से शायद यह शब्द प्रचलित हो गया है कि चंद्रिका सिर्फ एक पुअर आदमी इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया कि जो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं वह पढ़ने में तेज नहीं होता है, वाट एवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है बाबू।
यानी कि यही सब मन में प्रश्न उठता है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है बाबू, आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आपसे कोई आ जाता है ना, आपसे कोई मानकर चलो कोई सीनियर आ जाता है चंद्रिका इस्तेमाल करते समय, अगर आपको बोलता है कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि फन्ना चिन्ना कुछ भी अपना वो अपने शब्द में बोल सकते हैं, तो उसको समझाइए कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है, नहीं कोई चोरी का सामान है, ठीक है। उसको आप प्यार से समझाइए कि चंद्रिका जिस तरह से सर हमें कोचिंग में बताते हैं, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी हम घर पर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे पढ़ाई में बढ़ सकते हैं, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और अभी अभी हम बस इतना ही रहने देते हैं बाबू, और हम आपको अभी तक जितना समझाए आप जरूर समझे होंगे, और हम आपको जरूर विश्वास इतना जरूर दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए जरूर 1 से 2 घंटा किसी दिन समय निकालकर और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको जरूर समझाएंगे। हाँ बाबू एकदम जरूर, हम प्रॉमिस कर रहे हैं ना हम आपको लिए, ठीक है बाबू, ठीक ठीक ओके। हाँ हाँ बाबू, हम आपके लिए जरूर 1 से 2 घंटा समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम पर आपको पूरा बताएंगे चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर, और आप अगर किसी क्वेश्चन से में फंसते हैं तो आप वहाँ चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो अभी हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।